नमस्कार। महाराष्ट्र के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव के ऐलान के साथ ही दोनों ही गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति में राजनीतिक उठापटक या यूं कहें कि राजनीतिक गठजोड़ गठबंधन के साथ साथ तमाम जो बारीकियां जुड़ी हैं उसको लेके अंतिम दौर की बातचीत भी चल रही है, अंतिम रणनीतियां भी बन रही हैं। ऐसे में सबकी निगाहें हैं क्योंकि दोनों ही गठबंधन इस समय सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत और बैठकों में व्यस्त हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ हम देख रहे थे बीजेपी और शिवसेना एक तरफ थी तो दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस थी, लेकिन 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति ने बड़ा करवट लिया है। आज राष्ट्रीय पार्टी वही दो हैं, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां थी अब वो 4 हिस्सों में दिखाई देती हैं, यानी जनता के लिए चुनाव बड़ा हो गया है। हालांकि इस चुनावी परीक्षा में एक बार ये गठबंधन जा चुके हैं, 2024 के चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जो मुकाबला था उसने महाविकास अघाड़ी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया जिसका श्रेय कांग्रेस लेती है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से पहले हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के पूरी परफॉर्मेंस रणनीति को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर दिखाई देगा? साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर क्या कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों में कुछ बड़े बदलाव करे हैं? किन रणनीतियों के साथ वो चुनाव में उतर रही है? इन तमाम मसलों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बीच में इस समय है महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बड़ा उत्साहित किया था और ये अजीब इत्तेफाक रहा कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जितना उत्साहित कांग्रेस थी या आपका गठबंधन था उससे पहले हरियाणा के चुनाव ने कांग्रेस के पूरे प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े किए। सवाल रणनीति पर, नेतृत्व पर, कार्यकर्ताओं से लेकर एक तरह से किस तरह से आपने अपने कैंडिडेट से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर जो तमाम सवाल किए खड़े हुए। अब आप जब महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सीट बंटवारे को लेकर भी बैठकें चल रही हैं, ऐसे में कांग्रेस किस तरह से लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक के सफर में और विधानसभा चुनाव की किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि 2 इलेक्शन हुए, हरियाणा हुआ और जम्मू कश्मीर का भी हुआ, जो 10 साल में हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र की सरकार ने चुनाव नहीं होने दिया, 370 का कलम हटा दिया, वहां पर कहा कि हम पूरा शांति अमन करवाएंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे तब चुनाव करेंगे। लेकिन ये सब करने के बाद, 370 हटाने के बाद भी बीजेपी वहां जीत नहीं सकी, बीजेपी की बहुत बुरी हालत हुई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चैनल्स और हमारी मीडिया ने भी जम्मू कश्मीर की भी बात करना चाहिए, लेकिन हरियाणा को टारगेट कर महाराष्ट्र के चुनाव को इस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है वो माहौल गलत है। महाराष्ट्र शाह फुले अंबेडकर विचारधारा कर रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहा है, देश की राजनीति में महाराष्ट्र एक अलग कॉन्सेप्ट का स्टेट है। मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, राष्ट्रीय संगठन में मैं कांग्रेस के काम किया हूं, तो मुझे देश के सब राज्यों को मैंने पास से देखा है। लेकिन हमारा महाराष्ट्र पॉलिटिकल जो स्टेटस हमारा महाराष्ट्र का है, जो शाह फुले अंबेडकर का है, वो परफेक्ट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को परफेक्ट लाइन पे लेके जाने का भी मानस यहाँ की जनता रखती है, तो हरियाणा से हमारी तुलना नहीं हो सकती। आपने अच्छा किया जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दिया, वो तो जिक्र करना मैं भूल गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पे तो आपने सवाल उठाया, लेकिन आपका प्रदर्शन 370 हटाने का आह्वान आपने किया, लेकिन एनसी को जो सीटें आई हैं और आपकी तुलना अगर करें तो कांग्रेस को तो फिर जम्मू में नकार दिया जनता ने, आपने खुद ही सवाल उठाया। मैं तो हरियाणा की बात कर रही थी, अब आप जब जम्मू कश्मीर आप ले ही आए हैं तो आइए उस पर भी बात कर ली जाए। हमारी अलायंस, देखो हम अलायंस में चुनाव जम्मू कश्मीर में भी लड़े तो अलायंस हमारी जीती है। 2.5 साल महाराष्ट्र में महायुति, 2.5 साल महाविकास अघाड़ी, चुनाव में अब आप हैं, अपने 2.5 साल के कौन से काम गिनाने जा रहे हैं आप इस चुनाव में? हमारी जब सरकार थी तब हमारी सरकार ने कोरोना के समय में
पूरे नियम का, मोदी जी के जो आदेश थे उसका पूरा हमने पालन किया। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य रहा कि जो कई राज्यों के लोग हमारे राज्य में काम करने आते, क्योंकि रेल बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, फ्लाइट बंद हो गए, सब बंद हो गए, तो सबको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनको बचाने की व्यवस्था सब हमने की, और सबको सुरक्षित उनके घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था हमने की। लोगों की जान बचाना हमारा धर्म था, वो हमने किया। उस समय में हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया कोरोना में, वो सिर्फ देश की सरकार ने तारीफ नहीं की तो, लेकिन दुनिया ने हमारे महाराष्ट्र के सरकार की तारीफ की, और कोरोना का सबसे अच्छा काम जो महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि लोगों की जानें बची। हमने किसानों का कर्जा माफ किया पहले ही कैबिनेट में, हमने चुनाव भी नहीं किया, पहले ही सेशन में, जब नागपुर में सेशन होता है चुनाव के बाद में हमारा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम पूरे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और तुरंत हमने महाराष्ट्र के सीधे सभी किसानों के खाते में पैसा डालना चालू किया। फिर सरकार ने एक योजना बनाई कि जो किसान रेगुलर है उनको हम 50,000 रुपये उनके अकाउंट में भी डालें। तब तक कोरोना आ गया, कोरोना में क्या देश की हालत हुई, राज्य की तो होना ही थी, तो 50,000 बैलेंस रह गए। बाद में हमने गवर्नमेंट से जॉब, क्योंकि हमारे राज्य में कम से कम 2,00,000 पोस्ट आज गवर्नमेंट के पोस्ट खाली पड़ी हुई है, तो लास्ट गवर्नमेंट जो 14 से 19 वाली थी फडणवीस की, उस सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगार बनाने का काम किया, तो हमारी सरकार ने वो प्रोसीजर चालू की, तो कोरोना आने से फिर वो रुक गई। तो हमने जो भी हमें समय मिला, वो समय में हमने देश के, हमारे राज्य के किसानों को, युवाओं को, और महंगाई कम करने की एक प्लान हमने बनाई। दुनिया के कई देशों ने हमारे देश की तारीफ की, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा है। एक, किसानों का कर्जा माफ करने का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा है। राज्य में डेवलपमेंट की शुरुआत हमने की, राज्य में नए हॉस्पिटल्स, क्योंकि शिक्षा और ये हेल्थ, ये दो चीजें हमारी मस्ट है, और जितनी भी पोस्ट हमारे राज्य में खाली पड़ी है वो सब भरने का हमने एक निर्णय लिया, लेकिन कोरोना के वजह से वो सब ब्रेक हुआ, और उसके बाद जो सरकार आई उसने हमारे राज्य की सब इंडस्ट्रीज भी बर्बाद कर दी। हमारा देश अभी, हमारा राज्य जो है 10वें नंबर पे है ये औद्योगिक डेवलपमेंट में, जो हमारा राज्य 1 या 2 नंबर में रहता था वो अब हमारा 10वें नंबर में गया। हाल ही केंद्र सरकार का उसके तरफ का रिपोर्ट आया है, ये राज्य की सरकार अब अपना कितना भी गुणगान करे लेकिन उसको कोई नहीं, इनके 2.5 साल में हमारे राज्य की इंडस्ट्रीज ग्रोथ थी वो खत्म हो गई। 52% FDI है, सबसे ज्यादा FDI महाराष्ट्र में मौजूदा समय में है। महायुति का आप पे बड़ा आरोप, 2.5-2.5 साल का कार्यकाल जनता तय करेगी, 2.5 साल महायुति के, 2.5 साल महाविकास अगाड़ी के, ये जनता के विवेक पे हम का आपका आंकड़ा गलत है, किसने आपको गलत दिया है? मुझे ये सवाल है कि अगर हमारे राज्य में बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट हुआ है, सरकारी आंकड़ा है तो सरकार का सवाल आपके पास गलत है, इसलिए मैं बताया, वो सही कर लीजिए आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी के देश में कोई राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हमारे पड़े हुए बच्चे और बच्चियां सबसे ज्यादा आत्महत्या, सुसाइड हमारे महाराष्ट्र में, किसानों की तो है ही, वो तो हम लोग उसको तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पिछले 5 साल में कितनी आत्महत्याएं हुई हैं नाना पटोले जी? कितनी आत्महत्याएं हुई हैं युवाओं की? आप कह रहे हैं ना सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, 2.5 साल में 1,000 के ऊपर बच्चों और बच्चों की सुसाइड हुए, किसानों की तो आंकड़ा तो 2,500 के ऊपर। किसानों का तो आज से नहीं, विदर्भ का किसान और महाराष्ट्र का किसान दशकों से परेशान है। सरकारें कितना उसके लिए कर पाई हैं सिवाय कर्ज माफी के? ये सरकारें आज तक किसानों को राहत, महाराष्ट्र के किसानों को उस तरह से नहीं दे पाई। ये भले ही चुनावी मुद्दा होगा नाना पटोले जी, किसानों को कर्ज माफी कर दी गई है, लेकिन किसान जिस त्रासदी से गुजर रहा है पिछले बहुत सालों से देश का, अगर मौजूदा सरकार की हम बात ना करें, क्योंकि कुछ भी कहूंगी तो आपका बड़ा आसान है मेरे ऊपर कोई भी लांछन लगा देना, मैं नहीं लगाता, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि किसानों को लेकर चुनावी वादे जो सरकारों ने किए और महाराष्ट्र के किसानों को लेकर आज तक यही मुद्दा है कि कर्ज माफ कर दिया तो चुनाव में आप ये बोलते हैं कि आपने एक काम किया है। आइए बात करते हैं 2.5 साल का। 2.5 साल में महायुति का कहना है कि आपको
आपकी सरकार को प्रोजेक्ट्स बंद करने वाली सरकार कहते हैं। तर्क क्या है? तर्क पे आप जवाब दे दें, मेरा नहीं है, उनका तर्क है। तर्क यह है कि आर्य मेट्रो कार शेड को कांजुर मार्ग में शिफ्ट किया गया। ये तमाम वो परियोजनाएं हैं जिनको 14 में 19 तक शुरू किया गया था, तो क्यों ये परियोजनाएं बंद की गई हैं? आखिर क्या वजह था? नानर रिफाइनरी प्रोजेक्ट को क्यों शिफ्ट करने की बात की गई? उसे भी शिफ्ट करने में जितना करोड़ों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई क्या? अब मुझे ये सवाल नहीं, या वो क्यों ऐसा सवाल कर रहे, मुझे पता नहीं है इसमें सच है या गलत। मैं वही बता, नानार की बात वो लोग करते हैं, तो मेरा सवाल ऐसा है कि ये लोगों ने क्यों नहीं चालू किया? 2.5 साल मिला ना इनको, 14 से 19 वो था, 5 साल वो थे, अब ये 2.5 साल हमारा नहीं। एक सिंपल बता रहा हूँ मैं, इसमें तुम्हारी मेरी तो कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उनसे है। इसलिए वो कह रही हूँ प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने आपको का क्या गलत आंकड़े दिए नहीं, तो प्रोजेक्ट शिफ्ट नहीं हुआ, कहाँ हुआ? प्रोजेक्ट रोका नहीं गया? नहीं, मेरा बात सुनो, आर्य मेट्रो कार शेड नहीं शिफ्ट हुआ मेरा, अभी मैं नानार की बात करूंगा ना, अभी उसमें भी नाना रिफाइनरी भी तो शिफ्ट हुई, कहाँ हुई? वही बन रही है ये, कुछ नहीं हो रहा है वो। उद्धव ठाकरे जी ने नहीं केंद्र सरकार को लिख के दिया? मेरा यही तो कहना है आपको, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। केंद्र में इतनी शक्तिशाली सरकार है, राज्य में खोखे की सरकार है, इनको तकलीफ क्या थी एलिगेशन लगाने का? वो तो नाना शुरू कर देना था, किसने रोका था इनको? शक्तिशाली ये लोग हैं। 2.5 साल तो आपकी भी सरकार रही थी, इन समस्याओं से ही निजात दिला देते। मुंबई में बाढ़ ही नहीं है, 2.5 साल में मुंबई में बाढ़ बाढ़ ही नहीं है, पूछो उनको। आपकी सरकार गिरी, उसके बाद से बाढ़ आना शुरू, आपकी सरकार से पहले आ रही थी। मुंबई इतिहास बना रहा है बरसात में पूरे देश में। नाना पटोले जी, इन सवालों का जवाब जनता के बीच देना होगा, यहाँ भले ही ना आप दे पाए। चलिए आते हैं सीट बंटवारे को लेकर। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, तीनों पार्टियों के हाईकमान तक सारी बातें पहुंच गई हैं, मसला अटका कहाँ है? देखो, सीट शेयरिंग जो होता है इसमें सभी दलों को, जैसे जैसे उनके भी 3 दल है, हमारे भी 3 दल है, उनका भी अलायंस अभी क्लियर नहीं हुआ, हमारा भी अलायंस क्लियर नहीं। कुछ कुछ जगहों पे सब लोगों की डिमांड रहती कि हमारे को ये जगह मिलना चाहिए, तो उसमें लेट हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 2-4 दिन में ये सब इशू क्लोज हो जाए, और कल ही हमने उसका एक लिस्ट बना के हमारे हाईकमांड को भेज दिया है, तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में हमारा जो समझौता है, जो सीट शेयरिंग है, वो हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मुंबई की 36 सीटों में किन सीटों पर मसला अड़ा हुआ है? 2-4 सीट है, ज्यादा नहीं। तो अड़ा क्यों है? वही होता है, क्या उद्धव ठाकरे नहीं तैयार हैं? देखो, ये देने और मांगने का नहीं रहता। कांग्रेस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि जो सीटें जिसके पार्टी को मेरिट है उस आधार पे मिलना चाहिए, ये कांग्रेस की भूमिका है। इसलिए वो दे रहे नहीं या हम नहीं दे रहे, वो ना मांग रहे ना हम नहीं दे रहे, ऐसा इशू नहीं है। मेरिट के आधार पर ये डिसीजन हो, क्योंकि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र द्रोही और शिवद्रोही जो सरकार है, ये सरकार को सत्ता से हटाना, यही मकसद हमारा है और यही हमारा धर्म है। कांग्रेस का मेरिट, अभी फिर हरियाणा चुनाव की मैं बात करूंगी तो आप कहेंगे उससे अलग है, लेकिन अखिलेश यादव की दावेदारी महाराष्ट्र चुनाव में ये बताती है कि उनका कहना है कि हम एक इंडिया ब्लॉक के तर्ज पे हमने चुनाव लड़ा है, अब हमारी भी हिस्सेदारी बनती है महाराष्ट्र में। देखो, कांग्रेस के लिए वो कह चुके हैं कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में भी ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए थी, हरियाणा में वो अपना चुनाव ठीक से नहीं लड़े। तो सवाल तो आपके गठबंधन साथी उठा रहे हैं, मेरिट पे सवाल खुद गठबंधन साथी उठा रहे हैं। अखिलेश जी जो है वो यूपी के बड़े कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता है, आखिरी सभी दलों को अपनी अपनी पार्टी डेवलप हो ये लगना स्वाभाविक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस मानती है, उसको अदरवाइज आप मना ले। जो लोग नहीं मानते, अपने सब साथियों को खत्म करते, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था मानते कि नहीं मानते वो उनका इशू है। हमारे साथ जो लोग अलायंस में हैं उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, हम लोग उनको ये नहीं करेंगे कि भाई तुमको ये बात नहीं रखेंगे, हम ही करेंगे। जो है आपको बताया लोकतांत्रिक व्यवस्था का इशू निकला ऐसा है, आप बताइए तुम, तुझे आपने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखा है, जब चुनाव होते कोई भी, तो जितने सांसद हो या विधायक होते हैं वो चुन के आने के बाद अपना नेता चुनते हैं जो उस दल के, और वो नेता फिर अगर किसी अलायंस से बात करना है तो फिर वो पार्टी और वो नेता बात करते। अभी लोकसभा में हुआ क्या ऐसा?
बीजेपी के सांसद का नेता चुना गया क्या? दो चंद्रा बाबू, नीतीश कुमार जी और उनके अलायंस को बुलाया गया, उनसे बात हो गई, डायरेक्ट राष्ट्रपति जी के पास गए। तो हमारे कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है, हमारी जो साथी है, दल है, वो अपनी बात रख सकते, तो उसको अदरवाइज मत लो, मेरे वही कहना है। उनका भी संसदीय दल की बैठक में नेता चुना गया है सर, वहां तक मत जाइए, वहां तक 24 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बार बार लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसपे हम बात कर सकते हैं। चौथा स्तंभ से यही कहना चाहता, पार्टनर्स ने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ऋतु जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा इशारा नहीं, इसके नतीजों से सोच रहे थे कि बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे, हरियाणा के चुनावी नतीजों ने उस रफ्तार को कम किया है। आपका अलायंस पार्टनर्स इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होगी चर्चा तमाम अन्य मुद्दों की जो चुनाव को लेकर हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के वो कौन से स्टार कैंपेनर्स हैं जो इस चुनाव के दौरान दिखाई देंगे, इस पर भी बात करेंगे नाना पटोले से। वक्त एक छोटे से ब्रेक। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का, नया सवेरा। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ DD न्यूज पर। महाराष्ट्र के महासंग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक दिलचस्प चर्चा हो रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी हमारे साथ मौजूद हैं। नाना पटोले जी, साकोली से आप हैं और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन स्टार कैंपेनर्स के वो चेहरे कौन से होंगे राहुल गांधी से इतर? राहुल गांधी की कितनी रैलियां और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो महाराष्ट्र चुनाव में दिखाई देंगे? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार शिंदे सेहत से नासाज हैं और अशोक चव्हाण का आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जा चुके हैं, तो वो कौन से नए चेहरे होंगे, वो कौन से चेहरे हैं जो दिखेंगे? देखो, महाराष्ट्र में हमारी कांग्रेस पार्टी की नई जनरेशन में और अच्छे ओरेटर भी है और अच्छे टीम भी हमारे पास है और कुछ लोगों को हमने सांसद में भी भेजा, तो हमारी प्रणीति शिंदे है नए चेहरे में। स्टार कैंपेनर्स आपके रहेंगे? हाँ, ये सब लोग हमारा टीम जो नए चेहरे जो है उसमें, मैं, बाला साहब तोरात, वडेट्टीवार जी, ऐसे तो हम लोग है ही, लेकिन हमारी जो नई टीम है उसमें अमित देशमुख है, बंटी पाटिल है, नसीम भाई है, ऐसे हमारे साथ नितिन राउत है, चंद्रकांत हांडोरे है, ऐसे कई नेता हमारे साथ है कि महाराष्ट्र में वो जाके कैंपेन करेंगे और महाराष्ट्र में उनको मानने वाला भी बड़े पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े चेहरों की कमी खलेगी इस चुनाव में? नहीं, जो आपने जो लोग बीजेपी में गए जिसका उल्लेख किया, वो जाने के बाद तो हम लोग ज्यादा सीटें बढ़ी। कुमार शिंदे भी नहीं हुए? देखो, सीनियरिटी के आधार पर, इसलिए तो हमने प्रणीति का नाम लिया, सुशील कुमार जी का नाम लिया था इसलिए बताया, हमारे पृथ्वीराज चव्हाण जी है, तो मेरा ये कहना है कि हमारे पास जो कैंपेन टीम जो हमारा है एकदम सशक्त है और मजबूत है। ऊपर से हमारे राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बघेल जी है, उनको सचिन पायलट है, अशोक गहलोत जी है, बहुत नेता जो महाराष्ट्र में है, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार का जो रिजल्ट रहेगा, क्योंकि मैं जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में जब बात करता था कि सबसे बड़ी जो हमारी संख्या रहेगी तो महाविकास आघाड़ी की रहेगी, और तब सब लोग ये कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है, विचारधारा जो है, वो शव फुले अम्बेडकर का है, और जो आज देश में सत्ता में बैठे वो उस विचारधारा के विरोध वाले लोग,
ठीक। तो इसलिए हमारे महाराष्ट्र में अभी भी आपको बता रहा हूँ, हम मिलेंगे ये चुनाव के बाद, तो आपको बता रहा हूँ कि महाविकास आघाड़ी की ही मेजॉरिटी में गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आएंगी। और सबके पास, हमारे शरद पवार जी के पास भी, उनके पास भी अच्छी टीम है, उद्धव जी के पास भी अच्छी टीम है। ये अंत में तेजी से कुछ मुद्दों पे, मराठा आरक्षण पे कांग्रेस का क्या रुख? हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में और सभाओं में भी इस बात को अवगत कराया कि हमारी सरकार केंद्र में आती है या राज्यों में आती है तो वहां पे हम सेंसस करेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी उस बात का विरोध करते हैं, सेंसस का विरोध है उनका। जब तक हम लोग कौन से जाति के लोग जो आर्थिक और एजुकेशनल सामाजिक कमजोर है, वो सब लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए उनको आरक्षण की व्यवस्था करना पड़ेगा और 50% का जो सीलिंग लगाया गया उसको हटाना पड़ेगा। उसके आधार पर, और महाराष्ट्र में हमारी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आती है, तो महाराष्ट्र का ओबीसी मराठा का जो झगड़ा जो बीजेपी वालों ने लगा के रखा है वो हम सुलझाएंगे। आदिवासी, धनगर, गोवारी, ऐसी सब कई जातियाँ जो आरक्षण की प्रतीक्षा में, तो ये बहुत ही आसानी से हम सुलझा सकेंगे और ये विश्वास महाराष्ट्र की ये सब जातियों को है। ये आसानी से सुलझाया तब नहीं गया जब कांग्रेस सत्ता में थी। 2014 में चुनाव से पहले 16% आरक्षण का ऐलान कर दिया गया, जिस ऐलान को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या ये प्लान बी है? क्या मराठा आरक्षण को लेकर कांग्रेस में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है? देखो, हमारे नेता राहुल जी ने, उनको ये सवाल पूछा गया था तो उन्हें कहा कि हमारी गलती हुई, जहाँ गलती हुई वहाँ हमारे नेता ने तुरंत बोल देना, क्योंकि लोगों की गलती होती है तो भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं रहते। कांग्रेस की ये गलती हुई है कि हमने आरक्षण को जिस तरह से सुलझाना था वो नहीं सुलझा सके थे, लेकिन अब सरकार आती तो हमने हमारे एजेंडे में, हमारी गारंटी में हमने उस बात को लिखा था। आज भी हम महाराष्ट्र में सत्ता में सेंसस करेंगे और उसमें से हम लोग रास्ता निकालेंगे। प्रॉपर सेंसस सभी जाति का हो गया तो अपने आप ये सब प्रश्नों को हम जवाब दे सके। जी, हालांकि जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस बहुत लंबे तक तैयार नहीं थी, आज वो उसका ये कहना है। अब कुछ और मसले, माझी लाडली बहन योजना, क्या आपको लगता है जब हम 2.5 साल की बात कर रहे हैं तो ये एक बड़ा रोल प्ले करने जा रही है इस विधानसभा चुनाव में, हार जीत का फैसला तक? आपको लग रहा है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, 2 करोड़ महिलाओं को सीधे इसका लाभ मिल रहा है, आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा मुद्दा है, इस पे सवाल होगा। मैं पूछ वही बता रहा हूँ, ये चुनाव को मुद्दे नजर रखकर किया गया है एक, लेकिन आपको बताता हूँ कि ये समय में, क्योंकि हमारी कर्नाटक में योजना चल रही है, हमारे तेलंगाना में योजना चल रही है, हम जिस राज्य में घोषणा की थी हम योजना चला रहे हैं, उसी को आधार करके इन लोगों ने महाराष्ट्र में ये घोषणा को चुनाव के मुद्दे नजर रखकर शुरू किया है। किया है तो उसका विरोध करने का कोई कारण नहीं, हमने उसका समर्थन किया है। लेकिन आपने कहा आप सत्ता में आएंगे तो इस योजना को बंद कर देंगे। किसने बोला? यही तो गलत सुनते हो आप। हम महालक्ष्मी योजना करेंगे। हम महालक्ष्मी योजना क्यों करेंगे वो बता रहा हूं, क्योंकि लाडली बहन जो योजना बनाने के बाद बहन के जेब से पैसा नहीं निकाला नहीं जाता, या पर्स से, बहन के पर्स से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। ये लोगों ने इधर 1,500 रुपये दिया, तेल का खाने का भाव बढ़ा दिया, किराना का भाव बढ़ा दिया, बिजली के रेट बढ़ा दिया, सब चीज़ों के रेट बढ़ा दिया, तो 1,500 के जगह 5,000 रुपये निकाल लिया। अब बहन का कोई पैसा खाता है क्या? हम महालक्ष्मी योजना इसलिए बना रहे हैं कि बहन जो महंगाई इन लोगों ने बढ़ाई है वो कम करेंगे और हमारी बहन को लक्ष्मी बनाएंगे, पैसे वाली बनाएंगे। ये सपना हमारा है। हम सिर्फ नाम चेंज करेंगे, जो योजना हम लोग चला रहे कर्नाटक और तेलंगाना में उतना हम योजना बंद नहीं कर रहे, हम इससे ज्यादा पैसा देंगे, लेकिन महंगाई कम कर हमारे बहनों को हम लोग न्याय देंगे। इसलिए मेरी बहन पैसे वाली बने, उसको लक्ष्मी बने, ये हमारी सोच है, उनकी सोच। हम बेईमान भाई नहीं है, हम ईमानदार भाई है। योजनाओं को लेकर आपकी सोच ये है, हालांकि 2.5 साल में कई ऐसी योजनाएं बंद की गई जो महायुति ने अपने समय 2014 से 2019 के दौर में शुरू की थी। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर है, हालांकि नाना पटोले का कहना है कि इनकी सरकार ने किसी तरह की कोई योजना बंद नहीं की। 2.5 साल कोरोना के कारण ये एक काम कर पाए कि किसानों का कर्ज माफ कर पाए, इसके अलावा इनको कोई और उपलब्धि इस मंच पर नाना पटोले साहब नहीं दे पाए हैं कि 2.5 साल में कांग्रेस ने क्या काम किया या फिर महाविकास आघाड़ी ने। शुभकामनाएं आपके साथ, आपके चुनाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन न्यूज हमारी सरकार,
मौजूद हूँ, ऐसी शुभकामना दूँ।